वरिष्ठ नेता आदरणीय भदौरिया जी, महिला कांग्रेस की अध्यक्ष श्रीमती बसंती देवी जी, युवा कांग्रेस की अध्यक्ष श्रीमती रंजना मिश्र जी, ब्लॉक अध्यक्ष आदरणीय श्री डॉक्टर महेंद्र तिवारी जी, आदरणीय कुंवर साहब, युवक कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष भाई प्रकाश सिंह जी, ये अनुपस्थित सभी सम्मानित बुजुर्ग और हमारे प्रिय माता बहन और प्रिय नव युवक साथी, कुछ देर से हमारे युवा साथी ये संवाद कार्यक्रम में अपन बात रखें, अपने बातें में उन्होंने के परेशानियों और काहे परेशानी वह दोनों चीज बात हुई। ये बात सही है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है, 15 साल बाद, और सरकार बने में अपना सबके योगदान रहा, लेकिन सरकार के बाहर रहे में ओहूम अपना सबके योगदान रहा। यदि आज सरकार के बाहर है तो जब हम कहत रहे कि थोड़ा संभल के देखा जाए, तब अपने बंचे कहत रहे कि भाई सब कुछ ठीक ठाक है। आज वह परेशानी है कि सब कुछ ठीक ठाक हो के बावजूद सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। हमों का बहुत कल्पना रहे कुछ काम करें के, हमों बहुत सोचे रहे यहन के क्षेत्र के विकास के, यहन के युवा साथिन के बेरोजगारी दूर करे के, सिंचाई के साधन के और वो सब चीजन के थे, लेकिन आज हमारो सुनवाई नहीं है। और सुनवाई नहीं है इसमें हम केहू का दोष नहीं दे सकता है। हुआ सिर्फ समय बदल सकत है, ओहिन के इंतजार हो सकत है। तकलीफ ही वो तकलीफ जितनी अपना महसूस करी था उससे ज्यादा हमू महसूस करी था। एक अलावा और हम आज के संवाद में का कही यह समझ के परे है, ईश्वर से कामना करी थे कि हमारे पंचन के दिन फिरे इतने भर है। धन्यवाद।